Hi, this is Farooq Khan and welcome back to my channel FRK Info. And please मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. सज्जनगढ़ मानसून पैलेस राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित है. इस पैलेस को मानसून महल, सज्जनगढ़ का किला भी कहा जाता है. 19वीं सदी में इस किले की स्थापना महाराजा सज्जन सिंह ने की थी. इस पैलेस को मानसून के प्रतीकों और उनके द्वारा की गई गतिविधियों की सटीक गणना करने के उद्देश्य से बनाया गया था. ये पैलेस उदयपुर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है. इसे अरावली पर्वतमाला की वसुंधरा पहाड़ी पर बनाया गया था. यह समुद्र तल से लगभग 994 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. इसकी खूबसूरती और कार को देखते ही इसे उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं. हालांकि सज्जनगढ़ मानसून महल की स्थापना महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी, लेकिन उनके शासनकाल में इस महल का निर्माण संभव नहीं हो पाया. इस महल को पूर्ण निर्माण उनके पुत्र फतेह सिंह ने किया था. महाराजा सज्जन सिंह जी इस महल को बनाने का मूल उद्देश्य था मानसून की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना और उनका मुआयना करके भविष्यवाणी करना, ताकि किसानों की फसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो. लेकिन उनकी यह योजना पूरी ना हो पाई और बीच में ही 26 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई. आज के समय में सज्जनगढ़ पैलेस शिकारी लॉज के रूप में उपयोग किया जा रहा है. यह एक 5 मंजिला भवन है, जिसमें 3 मंजिला नीचे की तरफ गई हैं और 2 मंजिला ऊपर की तरफ. ऐसा माना जाता है कि नीचे की मंजिलें गुप्त दरवाजे थे जो सुरंग का कार्य करते थे. सज्जनगढ़ मानसून पैलेस का अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि सन 1983 में बनी जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपसी के कुछ दृश्य यहां पर शूट किए गए थे. इस पैलेस को बनाने में राजपूत शैली का उपयोग किया गया था. इसके अलावा इसके स्तंभों पर संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया गया था. महल के बुर्ज छतों और स्तंभों पर महीन कलाकारी की गई थी. महल की दीवारें चूना पत्थर से निर्मित हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.